नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर्टिस्ट मनोहर कलमकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मनोहर कलमकर ट्रैवल्स एंड आर्ट्स। दोस्तों कैसे हो आप? और अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, ये हमारा रोज का डायलॉग है। बड़े दिल से हम कहते हैं कि आप बहुत अच्छे रहे, सुखी रहे और खुशहाल रहे। तो दोस्तों ये देखो, ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, ये इसका अपन लोगों ने मोल्ड बनाया था, रबर का, सिलिकॉन रबर का मोल्ड बनाया था, वो आपको दिखाया था बना के। अभी इसको है ना गोल्ड कलर करना है। ये मेटल का है, मेटल का मूर्ति है। अभी मेटल के ऊपर कौन सा गोल्ड कलर लगेगा, तो बहुत सारे लगा सकते हैं। ऑयल भी लगा, ऑयल गोल्ड कलर लगा सकते हैं, या एक्रिलिक कलर लगा सकते हैं, फैब्रिक लगा सकते हैं, तो आप जो चाहिए वो कर सकते हैं। तो अभी इसको है ना गोल्ड कलर करेंगे, और वो गोल्ड कलर करने का तरीका कैसा है, कैसा ब्रश घुमाते हैं, वो सारा आपको दिखाएंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कलर करने का कोई आइडिया आप नहीं दिखाते, तो चलो आज अपन लोग ये शिवाजी महाराज, ये जो आदरणीय शिवाजी महाराज है, उनका अपन गोल्ड कलर करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे गोल्ड कलर करते हैं। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ये शिवाजी महाराज के मूर्ति को गोल्ड कलर करने के लिए हमने ये गोल्ड कलर लिया है। देखो ये साइड में निकाल के लिए है इस क्लिप से, ये साइड में निकाल के लिए इस क्लिप से, इसमें से लिए है, ठीक है। ये गोल्ड कलर है। अभी इस ये थोड़ा गाढ़ा है और पतला भी आता है, पतला कलर स्प्रे के लिए होता है, ये गाढ़ा है, ये ब्रश से लगा देंगे। अभी इस वो कौन सा ब्रश यूज़ करेंगे, देखो ये ब्रश यूज़ करेंगे, ये ब्रश से ऐसा हल्का हल्का हाथ घुमाएंगे ऐसा। अब ब्रश कभी भी ऐसा लगाना है, ऐसा नहीं लगाना है, ऐसा हल्का घुमाना है इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का। अगर इससे भी पतला रहेगा तो भी चलेगा, ये तो ज़्यादा जाड़ा है, लेकिन इससे भी पतला रहेगा ना तो भी चलेगा कि ये इसको कलर मारने के लिए ऐसा हल्का हल्का ऐसा हाथ घुमाने का रहता है ये जाड़ा कलर से, ठीक है। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो चलो अभी कलर मारने शुरुआत करते हैं। देखो हल्का ऐसा 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 घुमाने का, ऐसा ब्रश है ना, इस टाइप का ऐसा ब्रश घुमाने का। तो चलो अभी कलर मारना शुरुआत करते हैं गोल्ड कलर। ये पानी वाला कलर है, कोई टेंशन नहीं। देखो इस टाइप का ऐसा ऐसा हल्का हल्का ब्रश घुमाने का इसके ऊपर, ठीक है। शुरुआत में है ना ब्रश को प्रेशर नहीं देना है, हल्का हल्का सब जगह लगा के लेना है, जाड़ा कलर नहीं मारना है, एकदम पतली लेयर मारना है। इसके ऊपर दो तीन कोट आएंगे, इसलिए थोड़ा पहला जब आप कोट मारते लेंगे ना तो एकदम हल्का मारो, कोई ज़रूरी नहीं कि पहले ब्रश में पहले स्ट्रोक में जाड़ा कलर बैठना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल करना भी मत। अगर जाड़ा कलर आपने शुरुआत में ही मार दिया तो पूरा मूर्ति है ना धब्बा धब्बा दिखेगा। उसका जो मेन लुक है वो निकल जाएगा। इसके अंदर की जो नस है ना, एक लाइन है ना अंदर की, ये नहीं ढकना मांगता है कलर से, वही इफेक्ट देती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूरा के पूरा भर देते हैं, पूरा मूर्ति को अंदर का जो डिज़ाइन है ना दिखाना है तो ये लाइन बिल्कुल नहीं भरना चाहिए, पूरा दिखना चाहिए, उसका गेटअप आता है उससे डिज़ाइन अच्छी तरह से दिखती है। अगर ये बुझा दोगे ना आप कलर से तो मज़ा निकल जाएगा, इतना ध्यान रखना।
तो शुरुआती स्टोन ऐसा हल्का हल्का मार दो, देखो ये मेटल की मूर्ति होने की वजह से इसका आवाज देखो है ना, एकदम मेटल का आवाज आता है। लोगों को कलर की जानकारी बहुत कम रहती है, इसलिए वो हमेशा पूछते रहते हैं कि सर मेटल की मूर्ति हो, फाइबर की मूर्ति हो, या सीमेंट की मूर्ति हो, या पीओपी की मूर्ति हो, उसको कौन कौन से कलर लगेंगे, उसके ऊपर कौन से कलर पकड़ेंगे। तो भाई आप जो मारना चाहे वो सारे कलर किसी भी मूर्ति के ऊपर भी पकड़ सकते हैं, बस उसको मारने का टेक्निक आपको मालूम होना मांगता है। अगर टेक्निक मालूम नहीं है आपको तो आप कौन सा भी कलर यूज़ करो उस मूर्ति को ख़राब ही करोगे। देखो अपनी मूर्ति अभी गोल्ड कलर जैसी लगने लगी है देखो, लेकिन मैंने पूरा कलर इसके ऊपर चढ़ाया नहीं, बस पहला स्ट्रोक मारा है हल्का हल्का, फिर भी इसका गेटअप बहुत अच्छा आ रहा है देखो। तो चलो पहला कोट पूरा हो गया, कम से कम दो कोट या तीन कोट मारेंगे तब ये उसको निखार आएगा, मूर्ति एकदम जान, मूर्ति में एकदम जान आएगी। ठीक है तो पहला कोट अभी पूरा हो गया, इसको सूखने देते हैं। ठीक है लगभग दो या तीन कोट मार देंगे इसको। तो दोस्तों जब तक ये मूर्ति सूखती है ना तब तक मैं इस गोल्ड कलर को आपको समझाता हूँ और गोल्ड कलर की जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्तों ये गोल्ड कलर है ना बहुत महंगा आता है और ये एक्रिलिक कलर है, लेकिन इतना जल्दी सूखता है ना, बस आपने लगा दिया और 5 मिनट में सूख गया। ठीक है इतना फटाफट काम होता है इससे, और ये आता भी बहुत महंगा, ये सब जगह नहीं मिलता है, हमारे इधर मिलता है और हम इसको स्पेशल यूज़ करते हैं। आप जो मार्केट में लेते हैं ना कलर तो ये होता है देखो, ये इस कलर में और ये कलर में कितना फ़र्क है देखो, ये ओरिजिनल गोल्ड कलर लगता है, ये ओरिजिनल गोल्ड कलर नहीं लगता है ना, ये मार्केट में किधर भी आपको अवेलेबल मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा सब जगह। ये ऐसे जगह मिलता है कि बहुत सारे बहुत कम लोग इसको जानते हैं और बहुत कम लोग लेते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत महंगा है और इसका लुक भी बहुत अच्छा होता है, ये चमकने के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत देर तक मतलब बहुत साल तक ये टिकता है, जल्दी काला काला पीला नहीं पड़ता है और इसका लुक बहुत अच्छा रहता है, इसलिए है ना ये महंगा है। अगर किसी को चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो ये गोल्ड कलर है और दिखने के लिए भी बहुत ही एकदम ओरिजिनल गोल्ड, जैसा अपन सोना पहनते हैं ना उसी टाइप का ये कलर लगता है। तो दोस्तों तो अगर किसी को चाहिए तो आप ले सकते हैं और बहुत बढ़िया कलर है, बस आपको मारने का ट्रिक मालूम होना मांगता है। ठीक है तो चलो अपना दूसरा हाथ
मारने की शुरुआत करते हैं। पहला हाथ कोट सूख गया अपना, पहला तो कोट सूख गया, अभी दूसरा मारते हैं। ठीक है, देखो मैंने हाथ लगाया, हाथ को नहीं लगता है ना, तुरंत सूख जाता है 5 मिनट में। तो चलो दूसरा कोट मारते हैं अपन, पहला कोट तो पूरा हो गया। यहां से ही शुरुआत करेंगे, देखो दूसरे हाथ में ही मूर्ति एकदम परफेक्ट बन गई। एकदम झकास मूर्ति दिखने लगी। देखो तीसरा कोट मारने की जरूरत भी नहीं, ये होता है टेक्निक कलर मारने की। ये सबको नहीं जमती है, जो कलाकार होता है, जो आर्टिस्ट होता है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है ब्रश से। दोस्तों अपना मूर्ति एकदम तैयार हो गया, गोल्ड कलर एकदम फर्स्ट क्लास बैठ गया और एकदम मूर्ति तैयार, ये देखो। ठीक है, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। एक बार आप सीख गए तो कोई भी मूर्ति हो आपके सामने, वो आप आराम से उसको कलर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा कलर करने का तरीका कैसा लगा, कलर कैसा लगा और हमने जो कलर मारा है वो आपको कैसा लगता है, वो कमेंट्स के माध्यम से आप मुझे रिप्लाई दे सकते हैं और रिप्लाई देके आप बता सकते हैं कि भाई कलर अच्छा मारा है, बुरा मारा है, जो भी है, जो आपकी कमेंट है हम आपका कमेंट का स्वागत करेंगे, चाहे कैसी भी आपको कमेंट करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो इधर ख़त्म करते हैं और लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और जो नए लोग हैं, जो नए लोग इस कलर का टेक्निक्स देखेंगे, वीडियो देखेंगे, तो वो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं दोस्तों, जय हिंद।